तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ मौजूद देहरादून में। मैं हूँ, मेरा भाई मोंटी भाई भी आ गए हैं और आज हम घूमने वाले हैं देहरादून। दोस्तों, अगर आप इस बार कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप दिल्ली से 4 घंटे की दूरी पर और हरिद्वार से मात्र 2 घंटे की दूरी पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून घूमने आ जाइए। देहरादून बहुत खूबसूरत जगह है। आज मैं आपको पूरा देहरादून घुमाऊंगा, कैसे आप देहरादून घूमने आ सकते हैं, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका देहरादून घूमने का, कहाँ कहाँ हमें देहरादून में घूमने जाना चाहिए, वो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मैं देहरादून की कुछ ऐसी जगहों पर भी आपको लेकर चलूंगा जहाँ खुद देहरादून के लोग भी नहीं गए होंगे। बहुत खूबसूरत ये वीडियो रहने वाली है और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं देहरादून। सबसे पहले बात करते हैं कि देहरादून कैसे पहुंचे जाए, सबसे आसान तरीका क्या है देहरादून पहुंचने का। देखिए, देहरादून में एक एयरपोर्ट भी है जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हालांकि देहरादून के मेन सिटी सेंटर से एयरपोर्ट की दूरी करीब 28 से 30 किलोमीटर है। आप चाहें तो बाय फ्लाइट भी देहरादून पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो देहरादून का रेलवे स्टेशन पूरे देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से तो अब वंदे भारत एक्सप्रेस भी देहरादून के लिए चल चुकी है। इसके अलावा भी 4 से 5 ट्रेन हैं जो दिल्ली से डायरेक्ट देहरादून आती हैं और बाकी देश के अलग अलग शहरों से भी सीधे तौर पर देहरादून जुड़ा हुआ है। ट्रेन में टिकट के प्राइस की बात करें तो 165 रुपए से 1800-1900 रुपए तक के अलग अलग टिकट है, अलग अलग ट्रेन में अकॉर्डिंग टू सीट एंड कम्फर्ट। जो आपको सही लगे आप उससे आ जाइए। 4 से 5 घंटे का समय लगेगा और आप दिल्ली से सीधे देहरादून पहुंच जाएंगे। बसेस की बात करें तो देहरादून में एक ISBT बस स्टैंड है जो एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है। दिल्ली से बात करें तो उत्तराखंड रोडवेज, उत्तर प्रदेश रोडवेज और दिल्ली रोडवेज की ऑर्डिनरी बसेस से लेकर लग्जरी वॉल्वो बस भी सीधे देहरादून तक मिल जाती है। किराए की बात करूं तो करीब 350-400 रुपए से शुरू होकर 1500-1600 रुपए तक के टिकट बनते हैं अकॉर्डिंग टू बस एंड कंफर्ट। आप कौन सी बस में जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको टिकट पे करना पड़ेगा और आप सीधे देहरादून पहुंच जाएंगे। आप चाहे तो अपनी कार, अपनी बाइक या प्राइवेट टैक्सी बुक करके भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा क्या है सबसे सस्ता तरीका देहरादून घूमने का। आप चाहे तो ट्रेन से आ जाइए, सबसे सस्ता रहेगा आपके लिए। अगर आप देश के किसी दूसरे हिस्से में, मान लीजिए आप साउथ इंडियन हैं, वेस्ट इंडियन हैं या फिर ईस्ट इंडिया से आ रहे हैं, तो आप देहरादून तक बाय फ्लाइट आ सकते हैं। बाय ट्रेन की कनेक्टिविटी भी है, अगर आपके सिटी से ट्रेन अवेलेबल है तो ट्रेन से आ सकते हैं, अदरवाइज आप दिल्ली आइए और दिल्ली से तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी देहरादून पहुंचने की। इसके अलावा हरिद्वार भी आ सकते हैं। हरिद्वार का रेलवे स्टेशन देश भर से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हरिद्वार से देहरादून आने में मात्र 2 घंटे लगते हैं, 50 से 55 किलोमीटर का सफर रहता है जिसमें उत्तराखंड रोडवेज की ऑर्डिनरी बसेस से लेकर शेयर टैक्सी और प्राइवेट टैक्सी सब कुछ मिल जाता है। तो ये तो बात होती है देहरादून पहुंचने की। अब बात करते हैं कि देहरादून में कहां कहां घूमने जाएं। देखिए, देहरादून अगर आपको घूमना है और अगर आपके पास समय कम है तो आप मात्र एक दिन में बिना स्टे किए पूरा देहरादून घूम लेंगे और देहरादून को कोई भी हिस्सा नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो। और फिर सीधी सी बात है, बहुत कम खर्चे में, बहुत कम समय में आप पूरा देहरादून भी घूम पाएंगे। अगर आपको नाइट स्टे करना है तो कहां आपको रुकना चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दूंगा। तो पहले बात करते हैं कि देहरादून में कहां कहां घूमने जाए। देखिए, देहरादून में घूमने के लिए 5-6 जगह ऐसी हैं जहां आपको जरूर ही जाना चाहिए। उसमें से नंबर 1 है बुद्धा टेम्पल मोनेस्ट्री। देहरादून के मेन बस स्टैंड को लेकर चलते हैं, वहां से मैं डिस्टेंस बताऊंगा आपको। देहरादून ISBT से मात्र 4.5 किलोमीटर की दूरी पर बुद्धा टेम्पल है। बुद्धा टेम्पल बहुत खूबसूरत जगह है। बुद्धा टेम्पल तक पहुंचना बहुत आसान है। मंदिर की मेन एंट्री से पहले ही कार पार्किंग है जहां पर 50 रुपए देकर आप अपनी कार भी पार्किंग में लगा सकते हैं। ये टेम्पल बहुत पुराना है और बहुत बड़ा भी है, आप आराम से यहां पर 1-1.5 घंटा घूमेंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में, मेरे पीछे है ये देहरादून की फेमस मोनेस्ट्री। 3-4 जगह ऐसी है जो बहुत खूबसूरत है बुद्धा टेम्पल की। लोग यहां पर आते हैं इवनिंग में, यहां पर अगर आप आएंगे या अर्ली मॉर्निंग आप यहां पर आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। शाम के वक्त तो यहां पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और सैटरडे संडे तो बहुत रश रहता है। अगर आप टूर गर्मियों में प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आप बुद्धा टेम्पल घूमने आइए। अगर आप सर्दियों में टूर प्लान कर रहे हैं तो पूरा दिन कभी भी आ सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मंदिर बहुत खूबसूरत है, जगह जगह भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी स्टैचू बनाई गई हैं। लोग वहां पर सेल्फी क्लिक करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं,
बहुत अच्छा अनुभव है। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन बाहर आप अच्छी खासी फोटोग्राफी यहाँ पर कर सकते हैं। देहरादून के मस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से एक है बुद्धा टेम्पल। हालांकि देहरादून में और भी बहुत सारे बुद्धा टेम्पल हैं और भी बहुत सारी मोनेस्ट्री हैं, लेकिन ये वाला सबसे खास है। इसकी लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लोकेशन पर क्लिक कीजिए, पूरा रूट मैप आपको मिल जाएगा। मैं एक एक करके आपको सारे साइट सीन बताऊंगा, घुमाऊंगा और कैसे आप यहाँ पर आ सकते हैं वो सारे तरीके भी बताऊंगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दूसरा पॉइंट है, आप बुद्धा टेम्पल के बाद खलंगा वॉर मेमोरियल देखने के लिए जा सकते हैं। खलंगा वार मेमोरियल का डिस्टेंस बुद्धा टेम्पल से करीब 22 किलोमीटर है, थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये देहरादून की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। खुद देहरादून के लोग भी इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम यहाँ गए तो हमें ये जगह बहुत बढ़िया लगी और मैं चाहूंगा कि अगर आप देहरादून घूमने आते हैं तो खलंगा वार मेमोरियल जरूर जाइएगा। 22 किलोमीटर के शुरुआती रास्ते में आप देहरादून की मुख्य सड़कों से होकर गुजरेंगे, लेकिन जब आप खलंगा वार मेमोरियल के काफी करीब पहुंच जाएंगे तो एक घने जंगल से होकर आपको गुजरना पड़ता है। ये रोड एडवेंचर बहुत ही शानदार है। मुझे ऐसे लगता है खलंगा वार मेमोरियल पहुंचने से पहले का जो ये रास्ता ही मेन अट्रैक्शन है खलंगा वार मेमोरियल। तो फ्रेंड्स, ये है रास्ता खलंगा जाने वाला, बहुत खूबसूरत ये रोड है, देखने लायक जगह है। अब एंड पॉइंट पर जाएंगे, वहां देखते हैं वहां कैसे नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं। घने घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, बीच से एक पतला सा रास्ता बनाया गया है, बहुत शानदार जगह है, बहुत पीसफुल जगह है। बहुत कम लोग खलंगा वार मेमोरियल देखने के लिए आते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता भी चुका हूं कि खुद देहरादून के लोग भी इस जगह के बारे में नहीं जानते हैं। तो मेरे हिसाब से देहरादून के लिए आपको एक दिन देना चाहिए, उसके बाद आप कहीं दूसरी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। खलंगा वार मेमोरियल जाने वाला ये रास्ता ऐसा है कि आप अपनी गाड़ी रोक सकते हैं, स्कूटी बाइक जो भी आप लेकर आए उसे रोकिए, थोड़ी देर यहाँ पर एंजॉय कीजिए, इस व्यू को एंजॉय कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए, वीडियो क्लिक कीजिए। और मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग रील्स वगैरह बहुत बनाते हैं, और फिल्म की शूटिंग के लिए कोई शॉर्ट फिल्म अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक बेस्ट लोकेशन है, क्योंकि बहुत पीस है यहाँ पर, व्यूज़ बहुत शानदार हैं। हम लोग तो डिस्कस भी कर रहे थे कि अगर किसी हॉरर मूवी की शूटिंग की जाए देहरादून में तो खलंगा वार मेमोरियल जाने वाला ये रास्ता सबसे बेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ मौजूद देहरादून में, मैं हूँ, मेरा भाई मोंटी भाई भी आ गए हैं और आज हम घूमने वाले हैं देहरादून। अभी मैं जिस पॉइंट पर हूँ इसको बोलते हैं खलंगा, और बहुत अमेजिंग जगह, बहुत 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 सुंदर लग रही है और देहरादून की अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस में से एक है। अगर आप देहरादून आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। कैसे आ सकते हैं, कैसे देहरादून आप घूम सकते हैं, वो सारी डिटेल आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, बहुत अमेजिंग ये देहरादून टूर रहने वाला है। बहुत ही खूबसूरत आज, मतलब हम इतने टूर करते हैं, जगह जगह जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस पर जाते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग अद्भुत सी जगह है। और देख रहे हैं जैसे कि आप देखो चारों तरफ बड़े बड़े ज़बरदस्त पेड़ खड़े हुए हैं, और जो सड़क पर और इसके साइड में जो पत्तों की एक चादर सी बिछी हुई है वो देखने में अपने आप ही एकदम अद्भुत सी, अलग सी लग रही है। बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मतलब हम बड़ी बड़ी लोकेशन पर जाते हैं, बड़ी फेमस फेमस जगह पर जाते हैं, वहाँ इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ एक बिल्कुल एक शांत सी पीसफुल जगह पर आकर जी एकदम से खुश हो गया। क्यों मोंटी भाई? खाना लाओ, चटाई लाओ और बैठ के फैमिली के साथ पिकनिक एंजॉय करो। बिल्कुल, बस हाँ, चटाई लाओ, खाना लाओ, गाड़ी लाओ और यहाँ थोड़ी देर बैठो, एक दो घंटा एंजॉय करो इन वादियों में, इन घने घने जंगल में। आगे इसका मेन पॉइंट चलते हैं खलंगा। चलो आगे चलते हैं खलंगा, लेकिन वहाँ के रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि शायद ये कैमरा, ये वीडियो इस खूबसूरती को जस्टिफाई कर रही है, नहीं कर रही, लेकिन जब आप आएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। खलंगा वार मेमोरियल बेसिकली नालापानी युद्ध में शहीद हुए 92 लोगों की याद में बनाया गया है। ऐतिहासिक जगह है, यहाँ तक पहुँचने वाला रास्ता भी बहुत एडवेंचरस है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ और चीज़ें आपके लिए ऐड करना चाहूँगा। ये जो जंगल है ये थोड़ा सा खतरनाक भी है, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही अलग अलग प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर ही आप यहाँ पर रुकिएगा। गाड़ी से उतारते हैं तो गाड़ी को लॉक करके ही आप इधर उधर घूमिएगा। बहुत अद्भुत जगह है खलंगा वार मेमोरियल। खलंगा वार मेमोरियल से बहुत खूबसूरत व्यू भी देखने के लिए मिलता है देहरादून का। तीसरा पॉइंट है, आप माल देवता पिकनिक स्पॉट जा सकते हैं। ये भी अनएक्सप्लोर्ड जगह है देहरादून की,
खुद देहरादून के लोग यहाँ भी बहुत कम आते हैं, लोग जानते ही नहीं है इस जगह के बारे में। खलंगा वार मेमोरियल से माल देवता पिकनिक स्पॉट की दूरी करीब 8.5 किलोमीटर है। रास्ता ये भी बहुत शानदार है। इस जर्नी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक नदी के किनारे रोड बना हुआ है, उस रोड पर चलते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। जगह जगह ऐसे पॉइंट्स हैं कि आप गाड़ी रोक कर नदी के किनारे जाकर थोड़ी देर बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं नदी को। फोटोग्राफी करने के लिए एक बढ़िया जगह है, जैसे कि गूगल मैप पर भी हम देखते हैं कि पिकनिक स्पॉट के नाम से ये जगह लिस्ट की गई है। इन सभी जगहों की लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, अगर आप देहरादून घूमने आते हैं तो आप बहुत आसानी से घूम पाएंगे। सभी की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मालदेवता पिकनिक स्पॉट से, पिकनिक पॉइंट से सहस्रधारा आप घूमने जा सकते हैं, बहुत अद्भुत जगह है। और सहस्रधारा देहरादून की सबसे ज्यादा फेमस साइट है, जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। मालदेवता पिकनिक स्पॉट से करीब 9.5 किलोमीटर की दूरी पर सहस्रधारा है। सहस्रधारा में एंट्री से पहले एक एंट्री शुल्क देना पड़ता है, अगर आप कार से आते हैं तो वही एक पार्किंग शुल्क भी रहता है जिसमें 50 रुपए पे करना पड़ता है कार वालों को। सहस्रधारा बढ़िया जगह है। मैं मानता हूँ जो देहरादून घूमने आते हैं वो सहस्रधारा जरूर आते हैं। लोग यहाँ पर नहाते भी हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लॉकर्स की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसमें कुछ जगह लॉकर्स में 50 रुपए चार्ज किया जाता है और कहीं पर 100 रुपए चार्ज किया जाता है, जिसमें आप आपका कीमती सामान रख सकते हैं। नहाने के लिए आपको ड्रेसेस भी यहाँ पर किराए पर मिल जाती हैं। मेल फीमेल चेंजिंग रूम भी यहाँ पर बने हुए हैं, जो 10-10 रुपए चार्ज करते हैं। बहुत बढ़िया लोकेशन है, काफी लोग यहाँ आते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए होटल्स वगैरह की भी फैसिलिटी है, अगर आप एक नाइट का स्टे करना चाहते हैं तो सहस्रधारा में भी कर सकते हैं। सहस्रधारा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक धारा है जिसकी वजह से इसका नाम सहस्रधारा पड़ा, और वो जो धारा है वो पहाड़ों से निकलती है, उस पानी में गंधक घुला हुआ है, तो गंधक का पानी नीचे आता है। उस जगह के बारे में बताया जाता है कि अगर आप वहाँ स्नान करते हैं तो आपके सभी चर्म रोग दूर हो जाते हैं। हालांकि सहस्रधारा की जो मुख्य धारा है उसमें भी गंधक घुला हुआ है, लोग यहाँ नहाते हैं, एंजॉय करते हैं। अब तो यहाँ पर वाटर पार्क भी बन चुका है, बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी है, भूत बंगला भी है, बच्चों के लिए भी बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज यहाँ पर अब शुरू हो चुकी है। सहस्रधारा में एक रोप वे भी बन चुका है, ये रोप वे सहस्रधारा से ऊपर की ओर मौजूद साई मंदिर तक जाता है, तो आप चाहें तो रोप वे भी सहस्रधारा में आने के बाद एंजॉय कर सकते हैं। 1.5-2 घंटा आप आराम से सहस्रधारा में एंजॉय कीजिए, नहाइए। यहाँ पर खाने पीने के लिए बहुत सारे होटल्स रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, फूड आप एंजॉय कर सकते हैं, दोपहर का लंच आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। मौसम अच्छा हुआ, बैलक मौसम क्लाउडी हुआ तो कुछ और ही मजा रहता है सहस्रधारा घूमने का। पार्किंग की मैं बात कर रहा था कि रोड साइड ही कार पार्किंग है, कोई स्पेशल पार्किंग यहाँ पर नहीं बनाई गई है, रोड के किनारे ही लोग गाड़ियां खड़ी करके सहस्रधारा घूमने चले जाते हैं। सहस्रधारा के बाद आप अगली जगह है कुच्चू पानी, जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए, जिसे रॉबर्स केव के नाम से भी जाना जाता है। सहस्रधारा से कुच्चू पानी के बीच का डिस्टेंस करीब 14 किलोमीटर है, ये सफर भी बहुत शानदार रहता है। देहरादून की मुख्य सड़कों से होते हुए देहरादून की पतली पतली सड़कों से निकलकर गुच्चू पानी तक जाया जाता है। गुच्चू पानी मैं आज से करीब 4 साल पहले गया था, तब इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन अब मैंने यहाँ आकर देखा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार पार्किंग बनाई जा चुकी है, जिसमें 40-50 रुपए पे करके आप कार भी यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं, बाइक के लिए वही 20-30 रुपए देना पड़ता है। गुच्चू पानी में जो एंट्री टिकट है, पहले एंट्री टिकट 20 या 22 रुपए था, अब एंट्री टिकट यहाँ पर 35 रुपए है। हालांकि जो मुख्य गेट है गुच्चू पानी का, उसको काफी अच्छे से अब डेवलप कर दिया गया है। गुच्चू पानी के आसपास काफी सारे खाने पीने के लिए होटल रेस्टोरेंट स्ट्रीट फूड के भी ऑप्शंस हैं। टिकट लेने के बाद जब गुच्चू पानी के अंदर जाते हैं तो उस रास्ते में भी करीब 200-300 मीटर पैदल चलना पड़ता है, और उस दायरे में भी काफी सारे खाने पीने के लिए फूड पॉइंट बने हुए हैं। गुच्चू पानी का जो मेन अट्रैक्शन है वो है वहाँ की रॉबर्स कैम, एक गुफा जैसा बना हुआ है, आप देख ही रहे होंगे। इसके अंदर जाते हैं और नीचे पानी भरा रहता है, बहुत एडवेंचरस जगह है। कुछ लोग तो गुफा के बाहर ही इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ भी नहाते रहते हैं, लेकिन मेन अट्रैक्शन तो गुफा के अंदर है। गुफा के अंदर जाने के लिए आप चाहे तो यहाँ से रेंट पर कपड़े भी ले सकते हैं, अगर आप नहाना चाहते हैं अंदर जाकर। आप यहाँ पर स्लीपर्स भी किराए पर ले सकते हैं, 10 रुपए एक पेयर का लेते हैं, तो आप स्लीपर भी ले लीजिए। अगर आपने शूज पहने हैं तो स्लीपर में ही जाना ज्यादा सही रहेगा, नंगे पैर ना जाए। अंदर का जो मजा है ना, उसके बारे में तो मैं शायद नहीं बता सकता, आप खुद जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो उसका एक अलग ही मजा है। वीडियो में तो आप देख ही रहे हैं किस तरह पतली सी गुफा बनी हुई है, काफी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं।
पानी शुरुआत में ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं ना तो पानी की गहराई भी बढ़ जाती है, करीब घुटनों से ऊपर तक पानी आ जाता है, लेकिन उसका भी एक अलग ही मजा है। बीच में पानी की गहराई ज्यादा है, और लेकिन जैसे थोड़ा और आगे चलते हैं तो पानी की गहराई कम हो जाती है। अंदर एंड पॉइंट पर काफी लोग नहाते रहते हैं, तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत लाजवाब है। गुच्चू पानी के एंड पॉइंट में ऊपर की तरफ एक छोटा सा कैफे बना हुआ है, जहाँ पर आप चाय, मैगी, कॉफी ये सब इंजॉय कर सकते हैं। गुच्चू पानी या रोबर्स कैफ देहरादून की मस्ट विजिटिंग प्लेस है, यहाँ जरूर आइएगा अगर आप देहरादून घूमने आते हैं। तो ये था फिफ्थ पॉइंट देहरादून का। मैं आपको वो सभी पॉइंट्स घुमा रहा हूँ जहाँ आपको जरूर जाना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेसेस हैं देहरादून में जहाँ घूमने जाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन जगहों पर लेकर जाऊंगा जहाँ एज ए टूरिस्ट अगर आप आते हैं तो आप बहुत एंजॉय करेंगे। गुच्चू पानी से आप टपकेश्वर महादेव मंदिर देखने जरूर जाइएगा, डिस्टेंस मात्र 6.5 किलोमीटर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के आसपास भी काफी डेवलपमेंट हो चुका है। मंदिर के ठीक पहले ही बहुत बड़ी कार पार्किंग बनी हुई है, इसमें 50 रूपए पार्किंग शुल्क लिया जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के बाहर ही काफी सारी प्रसाद की दुकानें भी बनी हुई हैं, खाने पीने के लिए होटल और रेस्टोरेंट भी बने हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ होटल्स का भी निर्माण हो चुका है। टपकेश्वर महादेव के मुख्य गेट से थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ता है, जिसके लिए सीढ़ियां बनी हुई है। हालांकि टपकेश्वर महादेव में एक लिफ्ट की भी सुविधा है, जिसमें सीनियर सिटीजन और दिव्यांग लोगों को जाने की वरीयता दी जाती है, जिसमें आप उन सीढ़ियों से जाने से बच जाएंगे। तो हम लोग सीढ़ियों से चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं टपकेश्वर महादेव मंदिर में। टपकेश्वर महादेव मंदिर भी एक नदी के किनारे बना हुआ है और बहुत प्राचीन और खूबसूरत मंदिर है। ये जगह देखने में बहुत सुंदर लगती है। मुख्य मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो मैं अंदर आपको नहीं ले जा पाऊंगा। टपकेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही एक माता वैष्णो देवी मंदिर भी मौजूद है। टपकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के बाद अब माता वैष्णो देवी मंदिर में भी दर्शन करने जरूर जाइए। सोमवार के दिन यहाँ बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है। माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए एक पहाड़ के अंदर ही एक बहुत खूबसूरत गुफा बनी हुई है, जो कटरा में मौजूद श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की याद दिलाती है। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर भी बहुत प्राचीन है। यहाँ आने के बाद आप जो अनुभव करेंगे ना, एक अलग भक्ति का अनुभव आपको यहाँ आने के बाद होगा। जय माता दी, 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 आवाज नहीं आई, जय माता दी, मिलके सुन लो, जय माता दी। टपकेश्वर महादेव मंदिर के साथ श्री माता वैष्णो देवी मंदिर और ठीक उसके साथ हनुमान जी मंदिर भी यहाँ मौजूद है, जहाँ एक बहुत बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की बनी हुई है। तो इन सभी मंदिरों में आप दर्शन कर सकते हैं अगर आप टपकेश्वर महादेव मंदिर में आते हैं। तो देहरादून के मस्ट विजिटिंग प्लेस में से एक है और देहरादून के प्रमुख मंदिरों में सबसे ऊपर है श्री टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो ये है देहरादून के कुछ फेमस साइट सीन जहां आपको जरूर जाना चाहिए। अब बात ये आती है कि इन सभी साइट्स को विजिट कैसे करें। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन सभी जगहों की लोकेशन प्रोवाइड कर दी है, ताकि आप आराम से उन जगहों पर घूमने जा सके। लेकिन अगर हमारे पास अपनी गाड़ी नहीं है तो हम इन सब साइट्स को कैसे विजिट करें। इसके तरीके हैं 3। आप चाहे तो देहरादून पहुंचने के बाद देहरादून के रेलवे स्टेशन
या ISBTs के पास में ही बने बाइक रेंटल स्टोर पर चले जाइए, जहां से आप बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं, जिसमें 500 से 1000 रुपए वो चार्ज करते हैं एक दिन का। आपने अगर स्कूटी रेंट पर ले ली तो 500 रुपए में आपको स्कूटी मिल जाएगी, जिसमें दो लोग बहुत आराम से इन सभी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। और जितनी भी जगह मैंने आपको बताई है, तो उसमें करीब 200 रुपए के आसपास का आपको पेट्रोल लगेगा, यानी 700 रुपए में आप सारी साइट्स को विजिट करने जा सकते हैं। ये तो होता है सबसे सस्ता तरीका अगर आप दो लोग हैं। अगर आप तीन या चार लोग हैं तो आप चाहें तो ISBT या रेलवे स्टेशन से ही ऑटो बुक कर सकते हैं। और जितनी भी मैंने साइट्स आपको बताई हैं, इन सब साइट्स का आप सौदा कर लीजिए, जो भी वो चार्ज लेंगे वो पे कीजिए, करीब 1800-2000 के आसपास वो चार्ज लेंगे और इन सभी जगहों पर आपको घुमाकर ले आएंगे। तीसरा तरीका है कि आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए, वो थोड़ा सा और कॉस्टली पड़ेगा, करीब 3000-3500 रुपये आपको देने पड़ेंगे और ये सारे साइट्स वो आपको घुमाकर ले आएगा। एक दिन का टूर है, सुबह से शुरू करेंगे, शाम तक आपका पूरा टूर कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो सेम डे रात को अपने घर वापस भी निकल सकते हैं। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकने के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस देहरादून में हैं। होटल्स की बात करते हैं, मैं कुछ ऐसी लोकेशंस आपको बताऊंगा जहां आपको रुकना सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, देहरादून तीन तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, बीच में बसा हुआ है, यानी कह सकते हैं घाटी में बसा हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा शहर है, उत्तराखंड की राजधानी है। तो अगर आप सिटी में होटल लेना चाहते हैं तो ठीक है, सिटी में भी ले सकते हैं, 1500 से रूम की स्टार्टिंग हो जाती है। हालांकि सिटी में 1000-1200 में भी आपको रूम मिल जाएगा, बट अगर आप हिल व्यू के साथ, माउंटेन व्यू के साथ होटल लेना चाहते हैं तो आप सहस्त्रधारा में आके होटल बुक कर सकते हैं, या फिर आप राजपुर रोड पर आकर होटल बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ के होटल से आपको माउंटेन व्यू भी देखने के लिए मिल जाएगा। चॉइस आपकी है, आप चाहे तो सेम डे रिटर्न हो सकते हैं, आपका टूर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुक जाइए, नेक्स्ट डे आप मसूरी, धनौल्टी या चक्राता कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। होटल के चार्जेस राजपुर रोड और सहस्त्रधारा में करीब 1500-2000 से स्टार्ट होते हैं, जो 5000-6000 तक जा सकते हैं। देहरादून में रात में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। देहरादून का एक फेमस मार्केट है जिसे पल्टन बाजार के नाम से जाना जाता है, आप वहाँ घूमने जा सकते हैं। वहाँ पर शॉपिंग का आप कर सकते हैं, खाने पीने के लिए कुछ स्ट्रीट फूड के भी वहाँ पर ऑप्शंस हैं, उन्हें भी इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो रात में देहरादून के कुछ मॉल्स में भी घूमने जा सकते हैं। तो बहुत सारी जगह हैं देहरादून में घूमने के लिए, नाइट स्टे कर रहे हैं तो रात में आप इन सभी जगहों पर भी जा सकते हैं। फूड की बात करें तो देहरादून में सभी तरह का, वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, सभी तरह का फूड आपको, चाइनीज, इटालियन, सभी तरह का फूड बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप देहरादून घूमने आते हैं तो सिर्फ देहरादून घूमकर भी वापस जा सकते हैं, एक दिन का टूर करके भी वापस जा सकते हैं, लेकिन देहरादून के साथ साथ आप दूसरे कुछ हिल स्टेशन पर भी घूमने जा सकते हैं। जैसे आप मसूरी घूमने जा सकते हैं, आप धनौल्टी घूमने जा सकते हैं, आप चक्राता भी घूमने जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चक्राता लेकर चलूंगा। चक्राता भी बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन है, पीसफुल जगह है और मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है चक्राता। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चक्राता घुमाने वाला हूँ। देहरादून टूर के बजट की बात करें तो मिनिमम अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो आप ट्रेन से आ जाइए, 165 रुपए का टिकट लगता है। फूड पर आपका बहुत ज्यादा खर्च नहीं होने वाला है देहरादून में, वैसे तो टूर की कोई लिमिट नहीं होती, आप कितना भी खर्च कर सकते हैं। लोकल साइट सीइंग करना चाहते हैं तो स्कूटी या बाइक रेंट पर ले लीजिए, 500-700 रुपए में आप पूरा देहरादून बहुत आराम से घूम लेंगे। अगर आप सिंगल पर्सन है तो 1500-1550 रुपए आपके खर्च होंगे और आप पूरा टूर देहरादून का करके वापस जा सकते हैं। अगर एक नाइट का स्टे करते हैं, एक बंदा आपके और साथ में है, तो शेयरिंग में भी वो आपका बहुत कम खर्चे में टूर हो जाएगा। तो ये तो थी देहरादून टूर की इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चक्राता लेकर चलूंगा और चक्राता भी प्रॉपर तरीके से घुमाऊंगा, बहुत खूबसूरत जगह है चक्राता। अगर आप कपल हैं तो मेरे कहने से वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में एक नई जगह पर। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।